हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं हरियाणा के अंदर एक और न्यू भर्ती का अपडेट। आपको बताया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर नौकरी आ रखी है। अगर मेरी बहन कोई भी कॉलेज में लगना चाहती है, सिविल जॉब की आपकी सिविल की पोस्ट आ रखी है, बीटेक वगैरह आपने कर रखा है, जेई आप लगना चाहते हैं, सिविल की पोस्टें हैं, जेई सिविल की आ रखी है, अकाउंटेंट की आ रखी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की आ रखी है, क्लर्क की आ रखी किया, एलटी वगैरह की भी आ रखी है और लैब अटेंडेंट की भी आ रखी है, चौकीदार की पोस्टें भी आ रखी है। तो मेरे भाई गुरु बहनों, आपके लिए ग्रेजुएशन पास वाली जो भी मेरी बहन अगर कोई लगना चाहती है, चाहे वो क्लर्क का फॉर्म भरना चाहती हो, अकाउंटेंट लगना चाहती हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट लगना चाहती हो, जो लैब अटेंडेंट वगैरह होते हैं, उन सब का भी कोई भाई फॉर्म भरना चाहता है तो बिल्कुल आराम से भर लेना। हरियाणा में ये वैकेंसी कहां पर आई है, किस प्रकार से फॉर्म जमा होंगे, कितनी फीस लगेगी इन फॉर्म की, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। जो भी बहने ग्रेजुएट पास है, अगर आपने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीएड वगैरह का कर रखा है, तो अगर आपके लिए जो भी आंगनबाड़ी विभाग के अंदर सुपरवाइजर की पोस्टें आती रहती है, महिलाओं की अच्छी अच्छी पोस्ट आती रहती है, तो मेरी बहनों आपके लिए जो भी आंगनवाड़ी विभाग में रिक्रूटमेंट आएंगे अच्छी-अच्छी पोस्टों के, सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा अपने ही जो गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें एनटीटी की पोस्ट आ रही है। आपको पता है 4000 पोस्ट है, तो उनके अपडेट जो भी आते रहते हैं कंटिन्यू आपको बता चलेंगे। साथ में अगर कोई बहन टीचर लगना चाहती है, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना चाहती है, तो आपके गांव के अंदर जो पीजीटी टीजीटी की जो पोस्ट आती है वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार की जो भी पोस्ट आती रहती है आपको हर एक जानकारी मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें पूछनी हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए फटाफट और आराम से हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछ रहा हो, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए सभी भाई गुरु बहने। साथ में आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए। जो कमेंट करेगा उसका भी रिप्लाई किया जाता है, जो कमेंट के साथ में टेलीग्राम पर मैसेज करता है उसका भी रिप्लाई किया जाता है। तो भाई गुरु बहनों, सबसे पहले हर एक जानकारी पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स में एक बार आपको दिखाता हूं, बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों, को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें हम बताने वाले हैं कि जेजी यूनिवर्सिटी आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर वेरियस पोस्टों की नॉन टीचिंग की पोस्ट आ रखी है। 26 पोस्ट इसमें टोटल रहने वाली है। लास्ट डेट इस फोरम का 16 फरवरी रखा गया है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी @jjust.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सभी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी हिसार में रहने वाली है, क्योंकि जेजीयू हिसार के अंदर है, गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है उसी में आपकी जॉब लगने वाली है। तो मेरी बहनों, अगर कोई हिसार में काम करना चाहती है, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं पूरे हरियाणा में, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए और हिसार में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी जेजी यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है, 25 जनवरी से फॉर्म शुरू हुआ है, लास्ट डेट इसकी 16 फरवरी रखी गई है। इस भर्ती के लिए काफी फॉर्म तो ऐसे भी भरे जाएंगे जिसके अंदर इंटरव्यू लिया जाएगा, कुछ पोस्टों के लिए एग्जाम भी होने वाला है। जो जो पोस्टें हैं एग्जाम की वो आपको पता चल जाएंगे, जो आपके इंटरव्यू बेस की जो भर्ती होगी उसके भी बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी आपकी क्या लगेगी, जनरल ओबीसी वालों की 800 रुपए फीस लगेगी। फीमेल अगर मेरी बहन कोई फॉर्म भरेगी किसी भी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस वालों का 400 रुपए लगेगा, हाफ फीस लगेगा मेरी बहनों का। तो मेरी बहन कोई भी ग्रेजुएट पास है, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरना। एससी बीसी एएसएम पीडब्ल्यूडी वालों का 200 रुपए फीस लगेगा, यह आपका फीस लगने वाला है इस फॉर्म के अंदर। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर 50 साल तक के जो भी स्टूडेंट है सभी अप्लाई कीजिए। अगर एज में भी आपको रिलेक्सेशन चाहिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, तो वो भी आपको इसमें दे दिए जाएंगे। जेजीयू की नॉन टीचिंग जो रिक्रूटमेंट 2024 का वैकेंसी डिटेल्स क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपकी आ रखी है असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट आ रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट मांग रखा है। अगर आपने एमएससी कर रखा, कुछ भी आपने एमटेक वगैरह कर रखा है मेरी बहन ने, तो असिस्टेंट डायरेक्टर आप लग सकती है, केवल एक पोस्ट आ रखी है, जिसके अंदर असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट आ रखी है। बीटेक वगैरह मैकेनिकल से आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कीजिए। साइंटिस्ट की एक पोस्ट आ रखी है, कंप्यूटर का आपका डिग्री मांग रखा है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी एमएससी कुछ भी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक वगैरह आपने आईटी डिपार्टमेंट से कर रखी है तो आप भी भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर जो टेक्निकल ऑफिसर होता है उस
उसकी एक पोस्ट आ रखी है, रिलेटेड फील्ड से आपका डिग्री होना चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर की 5 पोस्ट आ रखी है, डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपका। सिक्योरिटी गार्ड की एक पोस्ट आ रखी है, ग्रेजुएट पास मांग रखा है और नहीं तो एक्स सर्विसमैन आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास वाले भी भर सकते हैं। लैब टेक इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है, एक पोस्ट आ रखी है, डिग्री मांग रखी है। अगर आपके पास में कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कीजिए। जेई सिविल की एक पोस्ट आ रखी है, डिग्री मांग रखा है, डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियर का होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट आ रखी है, जिसके अंदर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स साइड से। और लैब असिस्टेंट के लिए, जो लाइब्रेरी असिस्टेंट बोलते हैं हम सबको, उनको 2 पोस्ट आ रखी है, डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस से या टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। जो मेरी बहन लगना चाहती है कोई भी किसी प्रकार की डिग्री वाली जो पोस्ट है, बिल्कुल आराम से अप्लाई कीजिए। हॉस्टल केयरटेकर की 2 पोस्ट आ रखी है, ग्रेजुएशन पास मांग रखा है। अकाउंट कलर की 1 पोस्ट आ रखी है, ग्रेजुएट प्लस में टाइपिंग आपका मांग रखा है। लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट आ रखी है, बीएससी मांग रखा है, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए। चौकीदार की 4 पोस्ट आ रखी है, 10वीं पास होना चाहिए। तो मेरी बहनों, आपके लिए भी इसमें काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। कलर की रहने वाली है आपकी पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट लग सकती है, अकाउंटेंट लग सकती है, जेई सिविल में अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये भी फॉर्म भरिए। और लैब, जो लैब की पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, जो ये सारी पोस्ट है मेरी बहनों के लिए अच्छी जॉब रहने वाली है। तो मेरी बहनों, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाता, कभी भी मैसेज करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हमेशा आपको जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन तो फॉर्म भरना है सभी बहनों को, बिल्कुल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई गई थी, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बिल्कुल आराम से फॉर्म भर लेना। नहीं तो गूगल पे आप जेजी यूनिवर्सिटी अपलोड करना, जेजी यूनिवर्सिटी आप भरेंगे इशार, तो आपके आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। सबसे पहले उसी में जाना और एप्लीकेशन आप चेक करना करियर के ऑप्शन में जाके, तो वहां से बिल्कुल आराम से अप्लाई कर लेना। रिटर्न एग्जाम होगा कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए इसमें इंटरव्यू होने वाला है, तो रिटर्न जो एग्जाम की जो डेट आएगी वो भी बताएंगे और इंटरव्यू का जो शेड्यूल आएगा वो भी आपको जानकारी देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम केवल एक पेपर लिया जाएगा। तो मेरी बहन जो भी लगना चाहती है जेजी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको अभी भी टाइम है, अपना फॉर्म भरिए। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहने वाली है 15 फरवरी रखी गई है, 15 फरवरी तक जो भरना चाहती है जो भी बहन, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए। आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, फरवरी के महीने में आपके ऑफर लेटर भी इतने ज्यादा आने वाले हैं कि आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी ज्यादा पोस्टों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, आपने भी देखा होगा, अभी भी फिलहाल ऑनलाइन चल रहे हैं। किसी ने नहीं भर रखा तो अभी भी भर लीजिए, अभी भी समय है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कितने नंबर पर अभी ऑफर लेटर आएंगे, जो आपका सेफ स्कोर हम बोल सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अगर इतना स्कोर जुड़ रहा है तो आप थोड़ा सा अपना वेट कीजिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगने का, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो भी हम आपको जानकारी देंगे गुमराह करने की चीजें नहीं मिलेंगी, यहां पर साफ सुथरी आपको चीजें मिलेंगे। जो भी जानकारी देंगे स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी, और सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आपकी जो स्कोर वाइज दिखाएंगे, इतना स्कोर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, अगर आपका इतना स्कोर है इस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आप वेट कीजिए, नहीं तो आप फॉर्म भरना है जो अलग पोस्ट के लिए भरना चाहिए था, इस पोस्ट के लिए आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे। तो भाई और बहनों, अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके से आने वाली है, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो सभी भाई और बहनों जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करते जाना, जो भी कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, जो टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो भाई और बहनों, जहां भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी चीजें पूछनी हो टेलीग्राम पर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, और हमेशा आपको इसी प्रकार से हर एक भर्ती की जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।